नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है किसान भाई बहनों आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रवि फसलों में बीज व भूमि शोधन किस तरीके से करें क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सुल्तानपुर के अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी तारेश्वर जी जो की हमें बताएंगे की भूमि शोधन और बीज शोधन क्यों जरूरी है इस विषय में आइए विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर जैसा कि आज का हमारा विषय है बीज हुआ भूमि शोधन तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि शोधन क्या होता है देखिए फसलों में बहुत सारी रोग और बीमारियां लगती हैं जी उनको बीज को इस प्रकार हमें ट्रीट करना है इस प्रकार उसको सिखाना समझाना है एक तरीके से शोधन हुँ. का मतलब कि आगे जो भी बीमारियां और रोग उस फसल को लग रही हैं वो ना लगे जी ये है शोधन अच्छा जैसे हमने जान लिया कि बीमारियां आगे ना लगे तो उसके लिए हमें शोधन करना जरूरी है तो अब हम जाने कि बीज शोधन सबसे पहले तो हम बीज शोधन के बारे में जान लेते हैं तो बीज शोधन क्यों जरूरी है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसका महत्व तो क्या है इन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं पहले देखिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ हम देखते हैं कि हमारे घरों में जब कोई नवजात जन्म लेता है जी तो हॉस्पिटल में उसे तुरंत ही कुछ ना कुछ टीकाकरण प्रारंभ हो जाता हुँ. है और वो इसलिए होता है कि हम सब इस बात को जानते हैं विज्ञान और अपने अनुभव से कि जिस संसार में बालक ने जन्म लिया है वहाँ रोग और बीमारियां हैं और टीकाकरण से हम उनसे बचाव कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार जब हम अपने बीज को धरती में अंकुरित करने के लिए बोते हैं तो मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे कीट रोग और बीमारियों का घर होता है और वो नवजात इस अंकुर को पौधे को संक्रमित करते हैं और कभी कभी ये बीज पहले से भी संक्रमित होते हैं तो इस नाते बीज पर भी ठीक टीकाकरण के तरीके से ही कुछ रसायन अथवा जैव उत्पाद का उपयोग कर दिया जाता है जिससे उनमें रोग और नहीं होती हैं जैसे कि आपने कहा कि रोपित करने से पूर्व हमें बीज को शोधित कर लेना चाहिए तो ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि कितने समय पूर्व बीज का शोधन होना चाहिए और बीज शोधन के बाद में उसका रख रखाव कितने किस तरीके से होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसान भाइयों के सामने कोई समस्या आ गई बीज शोधित तो हो गया लेकिन रोपित नहीं हो पाया तो उस दौरान जो है जो समस्याएं उत्पन्न होती उनके बारे में भी जान लेते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है उनके बारे में भी जान लेते हैं देखिए बीज शोधन का एक क्रम है और उसके अनुसार हम समय को बांटते हैं जी यदि हमें किसी एक उत्पाद से जैसे फफूंदी नाशक से ही बीज का उपचार करना है तो बीज पर दवा का उपयोग करने के बाद में आठ से दस घंटे तक हम उसे रख सकते हैं और इसके बाद हम बुआई कर सकते हैं जो एक सामान्य प्रक्रिया है भी शोधन की उसे एफ आई आर क्रम कहते हैं जिसमें सबसे पहले एफ का मतलब फंजिसाइड अर्थात फफूंदी नाशक, आई का मतलब इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशक और आर का मतलब है राइजोबियम कल्चर अथवा जय उत्पाद तो फंजिसाइड से उपचार करने के आठ से दस घंटे के बाद में कीटनाशक से उपचारित करना है और उसके लगभग पंद्रह से बीस घंटे बाद हमें जय उत्पाद का उपयोग करना है <coughs> तो इतने समय के बाद जो है हम फिर अपनी फसलों को बीज को रुपाई कर सकते हैं यदि उससे सुरक्षित रखना पड़ जाए किसी अवस्था में जी ऐसा कारण बन जाए कि हम बुआई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसे छायादार स्थान पर धूप के संपर्क में नहीं आने देना है छायादार स्थान पर खुले स्थान पर और नमी जहाँ और न लगे जैसे किसी खुले डिब्बे में अथवा टाट के बोरे पर अथवा प्लास्टिक पर उसे खुले में हम रख सकते हैं जी जैसे कि आपने कहा कि हमें रोपित करने से पूर्व कई बातों को ध्यान में रखने की जरूरत ताकि बीज को सुरक्षित रखा जा सके शोधित होने के बाद में अब हम जानते जानना चाहेंगे कि जैसे हमने बीज शोधित तो कर लिया और भूमि रो में रोपित करने से पूर्व जो जो बीज है उसको किस तरीके से शोधित करना चाहिए कौन कौन से उत्पाद का प्रयोग करना चाहिए उनका भी जिक्र हम अपने कार्यक्रम में कर लें ताकि हमारे किसान भाई बहनों को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए शोधन का तरीका क्या हो जी आ, ये हमारी बीज की मात्रा और बीज के प्रकार पर निर्भर करता जी। है सामान्य रूप से किसानों के पास में मिट्टी का घड़ा कलश उपलब्ध रहता है अथवा नहीं है तो किसी पक्के स्थान पर जहाँ पर कि हम कोई टाट का बोरा या प्लास्टिक को बिछा दें ताकि मिट्टी से उसका संपर्क ना हो ऐसे स्थान पर जो भी हमारे बीज की मात्रा है वो हमें ले लेनी है और जो रसायनों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कार्बेंडाजिम नाम का एक फफूंदी नाशक रसायन है कार्बेंडाजिम पचास प्रतिशत डब्लू पी इसकी दो से ढाई ग्राम मात्रा प्रत्येक फसलों में भी शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा थीरम पचहत्तर प्रतिशत डब्लू एस इसकी ढाई से तीन ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के अनुसार हमें प्रयोग करनी है तो बीज को हमें उस प्लास्टिक पर रख लेना है अथवा घड़े में रख लेना है थीरम अथवा कार्बेंडाजिम इसको डाल के और पाँच से सात मिनट तक उसे मिलाना है जी। घड़े से मिलाना है तो घड़े का ढक्कन बंद कर देना है और फिर उसको दाहिने से बाएं बाएं से दाहिने अच्छे तरीके से मिला करके और कलश को फिर उल्टा करके निकाल के छाया में सुखा लिया जाता है जी। ये प्रक्रिया हाथों से यदि करना है घड़े का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो फिर हाथों में दस्ताने पहनकर या घड़े से भी जब करे तब भी हाथ सुरक्षित रखे जी बिल्कुल और मैं सुरक्षा की बात आपको आगे बताऊंगा जी बिल्कुल इसको पॉलीथीन पर अच्छे से मिला लेना है और फिर हल्का इसको फैला देना है ताकि ये छाया में सूख जाए जैसे कि आपने उत्पादों की बात कही है लेकिन मेरे जहन में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या रसायनों की बजाय क्या कोई जैव उत्पाद है जिनका प्रयोग करके भी, भी शोधित किया जा सके ताकि फसल भी सुरक्षित रहे हमारी भूमि भी सुरक्षित रहे और वातावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका आजकल ये जागरूकता सभी के अंदर बढ़ रही है और जरूरी भी है होना भी चाहिए जी हाँ इसके लिए उत्पाद उपलब्ध हैं और सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसमें सबसे प्रचलित जो उत्पाद है वो है ट्राइकोडर्मा इसके दो प्रकार हैं ट्राइकोडर्मा हार्जियनम और ट्राइकोडर्मा विरडी ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है ये समस्त जो विकासखंडों पर सरकार के द्वारा स्थापित कृषि रक्षा इकाई है वहाँ पर ये उपलब्ध है इसका उपयोग हम कर सकते हैं मैं आपको बताऊँ कि चना मटर मसूर ऐसी फसलों में उखठा नाम की एक बहुत भयंकर बीमारी होती है और जिसका होने के बाद कोई उपचार विशेष नहीं रहता है इन फसलों को यदि इससे शोधित किया जाए तो बहुत ही अच्छे इसके परिणाम आते हैं ट्राइकोडर्मा से शोधन करने के लिए किसान को बीज के अनुसार पाँच से दस ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा की लेनी है और हल्का पानी का उस पर छिड़काव करके ताकि वो एक लुगदी के रूप में हो जाए और बीज के आवरण पर पूरे तरीके से समान रूप से लग जाए और छाया में सुखाने के बाद में हम इसकी बुआई कर सकते हैं क्या किसी भी प्रकार का सजेशन हमें सरकार के माध्यम से कि कौन सी फसल के लिए किस तरीके का बीज शोधन करना चाहिए उसके लिए कोई अनुदान क्या किसी प्रकार की सहायता की भी व्यवस्था है क्या जी बहुत अच्छा है ये प्रश्न क्योंकि किसान भाई अक्सर ये बात जानना चाहते हैं कि उनको जानकारी के अलावा आर्थिक रूप से क्या सुविधाएं बिल्कुल देखिए सरकार के द्वारा एक विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना का संचालन कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है और इस योजना के तहत जो भी बीज शोधन के रसायन हैं जिसमें कार्बेंडाजिम थिरम कार्बेंडाजर पचहत्तर प्रतिशत अनुदान किसान को डीबीटी के द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में दे है जो ट्राइकोडर्मा है और बिवेरिया बेसियाना इन उत्पादों पर भी पचहत्तर प्रतिशत अनुदान किसान के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा स्थान्तरित किया जाता है जैसे कि आपने अभी लाभों के बारे में बात की है तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई बहन कैसे कनेक्ट करें उनसे ताकि उनको सुगमता से ये प्राप्त हो सके सुविधाएं देखिए इसके लिए किसान अपने विकास खंड पर प्रत्येक विकास खंड पर सरकार के द्वारा कृषि रक्षा इकाई राजकीय कृषि बीज भंडार की स्थापना की गई है वहाँ पर कृषि रक्षा इकाई पर प्रभारी आपको ये किसानों को ये सारी जानकारी और उत्पाद वहाँ पर देते हैं अथवा वो अपने नजदीकी बाजार में अपने आसपास के क्षेत्र पर जो भी लाइसेंस अनुज्ञप्तिधारी निजी विक्रेता हैं, उनके यहाँ भी ऐसे इन उत्पादों को खरीद सकते हैं इसके अलावा भी कोई सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा सुविधाएं विभिन्न प्रकार की हैं लेकिन जो फसलों में कीट रोग प्रबंधन की यदि बात करें तो फसलों में जो सबसे ज्यादा समस्या तो इसी कीट रोग की ही आती है जनरली किसान इसी वजह से परेशान रहते हैं कि उनकी फसल जो है ना उन्होंने मेहनत तो बहुत ज्यादा कर ली लेकिन फसल उनके खराब हो गई कीटों की वजह से तो सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम के तहत जो बीज शोधन के और बायोपेस्टिसाइड के अलावा रसायन है उन पर भी पचास अनुदान किसानों को दिया जाता है और अन्न भंडारण के लिए बखारी पर पचास प्रतिशत तक अनुदान किसानों को दिया जा रहा है और जो कीटनाशक छिड़काव के यंत्र हैं इन पर यंत्रों के प्रकार के अनुसार मानव चालित यंत्र पर अधिकतम पंद्रह सौ रुपये का अनुदान और शक्ति चालित यंत्र पर अधिकतम तीन हजार रुपये का अनुदान प्रति यंत्र ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है जी भूमि शोधन भूमि शोधन भी बहुत जरूरी है जितना जरूरी बीज शोधन है उतना ही भूमि शोधन है तो हम ये जान लेते हैं कि भूमि शोधन जरूरी क्यों है इसकी आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ती है और किस भूमि के लिए किस तरीके का शोधन होना चाहिए इन सब पर हम आज अपने इस कार्यक्रम में जानकारी हासिल करना चाहेंगे आपसे देखिए जैसा मैंने पहले उदाहरण में बताया कि हम अपने घर में नवजात बच्चों को टीकाकरण करते हैं जी तो केवल टीकाकरण के भरोसे ही हम उनको रोग और बीमारियों से नहीं बचा सकते हैं उनको जिस वातावरण में हम रखते हैं जिस वातावरण में परवरिश करते हैं वो भी हम अच्छा रखना चाहते हैं साफ सुथरा वातावरण चाहते हैं रोग बीमारी ना हो इसी प्रकार हमने बीज का शोधन तो कर लिया जी बिल्कुल लेकिन अब बीज जिस वातावरण वातावरण में जाकर के पनपेगा उस को भी हमें बीज के अनुकूल रखना होगा तो मैंने बताया कि मिट्टी में बहुत सारे रोग और बीमारियों के कारकों का घर रहता है तो उन कारकों को वहां पर कैसे कम किया जाए इसके लिए हमें भूमि का शोधन करना जरूरी होता है भूमि का शोधन करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो जैविक उपाय है जी। क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु पहले से ही विद्यमान है।, है इसकी मात्रा और प्रक्रिया जो है वो भिन्न होती है जी। जी वो प्रक्रिया किस तरीके की है वो भी हम जानना चाहेंगे और क्या मात्रा रहती वो भी हम जानना चाहेंगे किसान भाई जिनको अपने खेत में भूमि का शोधन करना है वो ढाई किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लगभग साठ से सत्तर किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाना है अच्छे से मिलाने के बाद में थोड़ी नमी रहनी चाहिए उसके लिए हल्का सा पानी का उस पर छिड़काव कर दें और उसे टाट के बोरे अथवा पैरा पुआल या ऐसी चीज से ढक दे जिससे कि हवा का आवागमन उस पर होता रहे और इसे छाया में रखना है तीन अथवा चार दिन के बाद इसमें फिर से एक बार पलटाई कर दें नमी यदि कम हो तो फिर से उस पर हल्का पानी का छिड़काव करके पुनः इसे ढक दें अब ये सात से दस दिन के बाद प्रयोग के लिए तैयार है तो ये समय वो होना चाहिए जब हमें खेत की जुताई करनी है जी बिल्कुल अर्थात हमें जब जुताई करनी है उसके दस पंद्रह दिन पहले इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना है जुताई से पहले ये जो सड़ी हुई गोबर की खाद में हमने ट्राइकोड्रमा मिलाया है इसे समान मात्रा से पूरे खेत में बिखेर देना है यह इतनी मात्रा जो है ये एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए अर्थात ढाई एकड़ क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त है इतने क्षेत्र में इसे फैलाकर जुताई कर देना है इसी के साथ एक बिवेरिया बेसियाना जो उत्पाद है इसे भी प्रयोग करें किसान इसके अलग ढेर बनाना है मात्रा ढाई किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए अर्थात ढाई एकड़ के लिए ढाई किलोग्राम मात्रा बिवेरिया बेसियाना की भी रखनी है बिवेरिया बेसियाना जो है ये हमारे मित्र फफूंद है ट्राइकोडर्मा भी मित्र फफूंद है दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं बिवेरिया बेसियाना जिन खेतों में दीमक की समस्या है अथवा सुंडी की समस्या है जमीन से पनपने वाले कीटों की समस्या है उनमें बहुत ही कारगर है तो इनके उपयोग में दूरी ये रखनी है कि एक को पहली जुताई में प्रयोग करना है ट्राइकोडर्मा को बिवेरिया बेसियाना को अंतिम जुताई में प्रयोग करना है दोनों की ढेरियाँ अलग अलग बनानी है एक साथ इनको मिक्स नहीं करना है अच्छा क्या फसलों के आधारित कोई भूमि शोधन होता है या फिर सभी फसलों के लिए एक ही तरीके का भूमि शोधन होता है भूमि शोधन का उद्देश्य क्या है ये इस पर निर्भर करता है जी यदि आज के संदर्भ में बात करें तो हमारा भूमि शोधन एक तो है कि फसल में कीट रोग बीमारी से हमें बचाना है जी दूसरा इसी के साथ हमें और लाभ क्या मिल सकता है बीज हमारे पास है हम और क्या कर दें कि हमको और लाभ मिल जाए अच्छा अचीवमेंट हासिल अचीवमेंट आ जाए तो उसके लिए है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन भी इससे जोड़ा जा सके तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे जैव उत्पाद ऐसे हैं जिनका प्रयोग करने से जो प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध है वो हमारी फसलों को सुगमता से मिल जाते हैं जैसे कि राइजोबियम ये एक लाभदायक जीवाणु है ये उत्पाद हमें प्राप्त है इसको बीज के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो जो दलहनी फसलें हैं जैसे मटर है चना है मसूर है ऐसी फसलों में नेत्रजन की जो आवश्यकता हमारी फसल को है ये बड़ी सुगमता से राइजोबियम के द्वारा मिल जाती है ऐसे ही एजेटोबैक्टर है गेहूं की फसल है जो अदलहनी फसलें हैं जिनमें दाल नहीं है उन फसलों में एजोटोबैक्टर नाम का जो जीवाणु है इसका प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा फास्फोरस जो कि मिट्टी के अंदर ठोस अवस्था में रहता है फास्फोरस मिट्टी में है तो लेकिन वो घुल नहीं पा रहा वो उस रूप में नहीं आ पा रहा जैसे कि बर्फ है हुँ, हुँ, और बर्फ से जब तक पानी नहीं बनेगा हम उसको नहीं ग्रहण कर जी सकते बिल्कुल तो बर्फ के रूप में जो फास्फोरस उपलब्ध है उसको पानी के रूप में बदलने के लिए ये फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया होता है जिसको पीएसबी कल्चर कहते हैं ये भी हम बीज पर लगाकर अथवा इसी प्रकार गोबर की खाद में मिला के और मिट्टी में आखिरी जुताई के समय मिला दें तो ये हमारी फसलों को पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता बढ़ा देते हैं जैसे आपने फास्फोरस की बात कही नाइट्रोजन की बात कही तो हमारे किसान भाई बहनों को ये कैसे पता चलेगा कि इस भूमि में फास्फोरस की कमी हो रखी है या इस भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति करने की जरूरत है तो ये हमारे किसान भाई बहनों को प्रक्रिया बताइए ताकि उनको सही मात्रा का ज्ञान हो सके कभी कभी क्या होता है लोग बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं कि उनको अधिक लाभ होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं भूमि को की उर्वर क्षमता को प्रभावित करती है तो ऐसे में कितनी मात्रा होनी चाहिए और किस तरीके से भूमि शोधन करना चाहिए इस बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छा बता दीजिए आपका देखिए यूरिया जो है या पोषक तत्वों का अत्यधिक उपयोग न केवल मिट्टी को खराब करता है पर्यावरण को खराब करता है और लागत को बढ़ाता है बल्कि रोग बीमारियों को भी बढ़ावा देता है उससे जो पैदा होने वाले उत्पाद हैं उनको ग्रहण करने के बाद हमारी जो पोषक आवश्यकता हमारे शरीर की है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो जरूरी तो है कि संतुलित मात्रा में ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए इसके लिए सरकार के द्वारा सभी जगह, जगह जरूरी है जी जी संतुलन सभी जगह जरूरी है इसके लिए सरकार के द्वारा सभी किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्ड वितरित किए गए हैं उस में खेत की पूरी जानकारी है और किन फसलों में कितने खाद और उर्वरक की आवश्यकता है ये भी दिया गया है उस मिट्टी के अनुसार जी फिर भी एक जो सामान्य प्रक्रिया के तहत दलहनी फसलें जिनमें नतर्जन की कम आवश्यकता है क्योंकि इनके अंदर में नजन स्थिरीकरण के जीवाणु उपलब्ध हैं तो इनको हम प्रयोग करते हैं जिसमें 200 ग्राम राइजोबियम का जो कल्चर है ये एकड़ क्षेत्रफल के बीज के लिए और मिट्टी में मिलाना है तो ये 600 ग्राम के लगभग एक एकड़ क्षेत्रफल में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार पीएसबी कल्चर को भी इतनी ही मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो किसान भाई बहनों आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना कि अगर आप अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि बीज शोधन व भूमि शोधन होना तो आज आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से ली होगी हमें उम्मीद है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है उससे आप अपनी स्थिति को बेहतर जरूर करेंगे इसी उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिए नमस्कार